हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर जिगेट्रिक। आज है 27 दिसंबर और आज हम 27 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके आने वाले सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स के लास्ट में आपको क्विज का एक प्रश्न मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के क्विज के उत्तर काफ़ी लोगों ने सही दिया है। क्वेश्चन है, हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर देश के किस प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है बी, अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में यह घोषणा की गई कि रोहतांग दर्रे के नीचे बनी लेह और मनाली को जोड़ने वाली सामरिक सुरंग का नाम अब अटल सुरंग होगा। सुरंग से लाहौल और स्पीति घाटी की सुदूर के क्षेत्रों में संपर्क सुगम हो जाएगा और इसे मनाली एवं लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। रोहतांग दर्रे के नीचे रणनीतिक महत्व की सुरंग बनाए जाने की ऐतिहासिक फैसला 3 जून 2000 को लिया गया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, मनु भाकर ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के सीनियर और जूनियर वर्ग में कौन से पदक जीते? इसका सही आंसर है ए, स्वर्ण पदक। मनु भाकर ने जूनियर वर्ग में 243 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने सीनियर वर्ग के फाइनल में 241.5 अंकों के साथ खिताब जीता। सीनियर वर्ग में देवांशी धामा ने 237.8 अंकों के साथ रजत, जबकि यशस्विनी सिंह देसवाल ने 217.7 अंकों के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। करंट अफेयर्स का दूसरा प्रश्न है, तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है ए, 60 वर्ष। तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई? तो ये इसका सही आंसर है 60 वर्ष। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन RTC कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सी चंद्रशेखर राव द्वारा RTC को कहा गया कि वह कार्गो और पार्सल सेवाएं आरंभ करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जा सके। बात करें तेलंगाना की, राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, राज्यपाल यहाँ पे तमिल साई सौंदर राजन हैं, नृत्य यहाँ का मुख्य नृत्य है पेरिनी शिवदंतवम या परेनी तांडवम, ये आपको याद रखना है। करंट अफेयर्स का तीसरा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है डी, वर्नर फिलेंडर। फिलेंडर ने 60 टेस्ट मैचों के अलावा 30 एक दिवसीय और 7 T20 मैचों में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया है। वर्नन फिलेंडर ने अपने टेस्ट कैरियर में 60 मैचों में कुल 216 विकेट और वनडे में 30 मैच खेलकर 41 विकेट लिए हैं। फिलेंडर ने साल 2007 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। करंट अफेयर्स का चौथा प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है सी, 25 दिसंबर को। यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। इस दिवस को पहली बार साल 2014 में मनाया गया था। तो ये आपको याद रखना, साल 2014 में पहली बार सुशासन दिवस मनाया गया था। करंट अफेयर्स का पांचवा प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने के श्रीलंकाई बल्लेबाज सनत जयसूर्य का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसका सही आंसर है बी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने सनत जयसूर्य का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बतौर ओपनर एक साल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व ओपनर बल्लेबाज सनत जयसूर्य के नाम पर था, पर अब रोहित शर्मा उनसे आगे निकल गए हैं। सनत जयसूर्य ने साल 1997 में ओपनर के तौर पर 2387 रन बनाए थे।
रोहित शर्मा ने साल 2019 में ओपनर के तौर पर 2442 रन बनाए। करंट अफेयर्स का छठा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री की 95वीं जयंती पर लखनऊ के लोक भवन में उनकी 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसका सही आंसर है ए, अटल बिहारी वाजपेयी। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अटल बिहारी की प्रतिमा का वजन 5 टन है। इसे राजस्थान से लखनऊ लाया गया। इस संबंध में 11 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें मूर्तियां लगाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। बात करें उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राजधानी लखनऊ है। यहाँ मुख्य लोक नृत्य है ख्याल, रास, झूला, मयूर नृत्य, ये भी आपको याद रखना है। करंट अफेयर्स का 7वां प्रश्न है, भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने किस वर्ष रिटायर होने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ए, 2020 में। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। 46 वर्षीय पेस ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि 2020 उनके करियर का आखिरी साल होगा, इसके बाद वे टेनिस को अलविदा कह देंगे। पेस ने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने एकल के साथ साथ युगल स्पर्धा में भी कई ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। करंट अफेयर्स का 8वां प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर का नाम विजडन द्वारा सदी के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है डी, विराट कोहली को। विजडन पत्रिका द्वारा दशक के टॉप 5 क्रिकेटरों की घोषणा की गई है, जिसमें केवल एक भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी पुलिस एलिस पेरी के अलावा इसमें 3 दिग्गजों का नाम और शामिल है, जिनमें ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ, साउथ अफ्रीकी टीम के पूर्व कप्तान तेज गेंदबाज डेल स्टेन और विकेट कीपर बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का नाम शामिल है। करंट अफेयर्स का 9वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है सी, तमिलनाडु को। इस सूचकांक में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को 3 समूहों में बांटा गया है, बड़े राज्य उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। बड़े राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का स्थान है। इसमें उड़ीसा, बिहार, गोवा और उत्तर प्रदेश खराब प्रदर्शन वाले राज्यों की सूची में हैं। बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं, राज्यपाल यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित हैं, नृत्य यहाँ का कुरवंजी, करगट्टम, कुम्मी, कोलट्टम। करगट्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्विज का प्रश्न देख लीजिए, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है, किस भारतीय क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने के श्रीलंकाई बल्लेबाज सनत जयसूर्या का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ऑप्शन है आपके ए, विराट कोहली, बी, रोहित शर्मा, सी, ऋषभ पंत, डी, महेंद्र सिंह धोनी। क्विज का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।